अगर तो आपको रोटी बेलनी आती है ना, तो आलू का पराठा बनाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। या दुबई में क्या है कि हमें कुलचा खाने को नहीं मिलता है, लेकिन कुलचे का टेस्ट मैं ये आलू पराठे में लेके आती हूँ। इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम जो स्टफिंग कर रहे हैं ना, इसके अंदर जो मसाले डाल रहे हैं वो मैटर करते हैं। तो यही रेसिपी, सेम मेरी वाली रेसिपी जो मेरे मम्मा ने मुझे सिखा के मुझे ससुराल में भेजा था, वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली। तो मेरी ये वाली कुलचे यानी कि आलू पराठा की रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, जिसमें कुलचे का टेस्ट भर भर के आता है। यकीन मानिए, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आलू पराठा। यहाँ पे तीन बड़े पटेटो लिए हैं मैंने, बॉयल्ड आलू लिए हैं, अच्छे से इसको मैश कर लिया है। इसके अंदर जो मैं मसाले डालने वाली हूँ ना, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपका आलू का पराठा कभी फेल नहीं होगा। एक चम्मच भर के नमक, एक चम्मच भर के गरम मसाला, आधा चम्मच देगी मिर्च, और ये है एक चम्मच अजवाइन। एक चम्मच डाल रही हूँ, मतलब कि आलू के हिसाब से जी ज़्यादा है, टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक चम्मच क्रश किए हुए धनिया बॉल, और ये मैंने डाली है कसूरी मेथी। कोई भी पराठा है कसूरी मेथी ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने डाला इसमें धनिया, आधा चम्मच अनारदाने का पाउडर, दो चम्मच बड़े इसमें कटा हुआ अदरक, दो चम्मच बड़े कटा हुआ प्याज, और ये है स्प्रिंग अनियन। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालिए, लेकिन ट्राई कीजिए कि इसको आलू गोभी के पराठे में डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये है इसका सीक्रेट क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए। ये है पोटैटो फ्लेक्स, आपको मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे। अब मार्केट में जाइए, उनको बोलिए कि पोटैटो फ्लेक्स लेने हैं, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ये मैं डाल रही हूँ इसमें दो से तीन बड़े चम्मच, एक चम्मच कटी हुई हरी मिर्ची, और सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसमें पानी नहीं है ना, जो मैंने पोटैटो फ्लेक्स डाले हैं ना, उन्होंने सारा पानी जो पोटैटो का होता है ना अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अभी मैं दो तरीके से आपको बना के दिखा रही हूँ आलू के पराठे। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, जो आपका जो आलू है वो पेड़े से बाहर निकलता है बेलते टाइम, तो मैं दो तरीके से आपको बताऊंगी। ये एक पेड़ा मैंने लेके उसके अंदर मैंने स्टफ कर दिया है, इसको स्टफिंग कर दी है, और इसको मैं रोल करने वाली हूँ। ये जो मैं पराठा बना रही हूँ, इसमें से क्या होता है कि जो हम ये फ्रेश होते हैं पोटैटो, हमने मिक्सचर बनाया है, वो थोड़ा थोड़ा हमें दिखेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि ये मैंने दो पेड़े लिए हैं, दोनों पेड़ों को थोड़ा थोड़ा मैंने रोल कर लिया है, और इसके अंदर मैं स्टफिंग डालने वाली हूँ। अगर आप बनाना शुरू कर रहे हैं या आपको बनाने में दिक्कत आती है कि आपके पोटैटोस बाहर निकलते, तो इस तरीके से बनाइए, पराठे की रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी, आलू पराठा परफेक्ट बनेगा। तो इसको अभी रोल करके क्या करेंगे, हम सीधा डालेंगे तवे पे। लेकिन यहाँ पे एक और टिप मैं आपको बता देती हूँ कि आलू का पराठा क्रिस्पी कैसे बनता है। जो तवे का फ्लेम है ना, गैस का फ्लेम है तवे के ऊपर, बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए, उसको मीडियम रखिए। अगर हाई होगा तो अंदर से जो पराठा है ना वो कच्चा रह जाएगा और ऊपर से सिक जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल स्लो पे भी रखेंगे तो भी वो अच्छा नहीं बनेगा। और इसके ऊपर लगाइए जीभर के घी। मैं तो थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं, अपने हस्बैंड को अपनी फैमिली को कम ही घी वाला डालती हूँ। लेकिन क्या होता है कि अगर हम अच्छे से घी लगाएंगे ना, पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना घी लगा रहे हैं इसके ऊपर। अगर कम भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने डाले हैं पोटैटो फ्लेक्स, उसकी वजह से ये देखिए कितना क्रिस्पी और रेड दिख रहा है। तो लीजिए, हो गया है आपका आलू पराठा बनके तैयार। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, इसका टेस्ट लाजवाब है, बिल्कुल कुलचे जैसा। ज़रूर ट्राई कीजिए ये वाली सेम डिटो रेसिपी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि ऐसे सीक्रेट्स आपको और भी आने वाली वीडियोस में पता चल सके।